सो गाइस कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी अपने फोटो को स्मूथ करते होंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर ब्लैक आ ही जाता होगा। तो भाई लोग अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कुछ ऐसा अपडेट आया है ना भाई लोग, जिसके माध्यम से आप अपने फोटो को बहुत ही आसान तरीके से एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फोटो को स्मूथ कर सकते हैं कुछ इस टाइप के। तो भाई लोग वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सबसे पहले तो आपको आ जाना मोबाइल स्क्रीन पे, और मोबाइल स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हमारा बिफोर आफ्टर फोटो देख लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, बिफोर वाले फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर देना है। तो चलिए भाई लोग फटाफट से हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा तो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इफेक्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिएगा स्क्रॉल करके आइएगा और यहाँ पर एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। एफएक्स में आ जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको फाइनली एक HDR का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो फाइनली देखिए HDR यहाँ पर हमारा है और इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे मेरे भाई। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, तो ऊपर के साइड में नहीं क्लिक करना है अभी, अभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले एक बार और HDR पर क्लिक करके इसका सैचुरेशन बढ़ा देंगे। डन, इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ऊपर के साइड क्लिक करना है और यहाँ इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। फाइनली अब आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर देखेगा तो बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो भाई लोग आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक टूल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए टूल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। एडजस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक सैचुरेशन दिख रहा होगा। सैचुरेशन को आपको क्या करना है, 27% बढ़ा लेना है एंड 28%। इतना बढ़ा लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा मेरे भाई, फाइनली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कहाँ पे, तो कंट्रास्ट दिख रहा होगा, कंट्रास्ट को भी आप थोड़ा सा 6 या 7% बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे बैकग्राउंड में कुछ अलग सा चमक आ जाएगा एंड फेस पे। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्क्रॉल करके आना होगा और यहाँ पर देखिएगा तो फेस के आइकन के जैसा एक रिटच का ऑप्शन होगा, रिटच के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा जैसे ही। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा तो आई कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो फाइनली अपने आई कलर कर लेना है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला आई कलर को सिलेक्ट कर लेना है। आई कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसका सेचुरेशन बढ़ा देना है, ऑब्जेक्टिव बढ़ा देना है, देख लीजिए आपको दोनों को 50-50 बढ़ा देना है। देन इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर लेना है। तो चलिए फाइनली हम इरेज कर लेते हैं, जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ सेम टू सेम आप बारीकी से इरेज कर लीजिएगा मेरे भाई, तभी आपका फोटो बहुत ही अच्छे लेवल का एडिटिंग हो पाएगा एंड अच्छे लेवल का फेस स्मूथ हो पाएगा, वो भी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। फिर यहाँ से क्या करना है, डन कर देना है और यहाँ से भी डन कर देना है, दो बार सही का निशान मिलेगा, दोनों को डन कर देना है। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले बिफोर और आफ्टर देख लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ स्क्रॉल करके आना है, स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर देखिए ड्राव का ऑप्शन दिख रहा होगा, ड्राव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को फाइनली से क्या करना है, तो यहाँ से सेव कर लेना है। तो भाई लोग वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा आप फेस स्मूथ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको इस तरीके का फ़ोटो बनाना है, तो इस तरीके का फ़ोटो बनाने के लिए बैक आएंगे और अभी जो फ़ोटो को हम सेव किए थे इसी फ़ोटो को अब आपको क्या करना है ना, तो स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो चलिए स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन में हम शेयर कर लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, यहाँ नीचे के साइड टूल्स दिख रहा होगा, टूल्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो डिटेल का ऑप्शन दिख रहा होगा। डिटेल पर क्लिक करके आपको फाइनली स्ट्रक्चर को पूरा इतना कम कर देना है, देखिए 50% कम कर देना है और शार्पनेस को पूरा बढ़ा देना है फुल 100%, देख लीजिए आपको फाइनली 100% बढ़ा देना है। डन, इतना काम हो जाने के बाद देख लीजिए हमारे फेस में कितना क्लियरिटी आ गया है। उसके बाद भाई लोग अब आपको क्या करना है, फिर टूल्स के ऊपर क्लिक करना है और टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपको सेलेक्टी का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो भाई लोग सेलेक्टी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जहाँ पर भी आपका पार्ट ब्लैक होगा फाइनली आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, तभी आप फेस स्मूथ करेंगे तो आपका ब्लैक नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस दे देना है जहाँ जहाँ आपका ब्लैक थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो चलिए भाई लोग हम दे लिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ टून इमेज दिख रहा होगा, टून इमेज पर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करके जाना है तो देखिए इसमें बहुत सारे टूल आ जाएंगे, लेकिन आपको एम्बेनियस वाले टूल्स को अप्लाई करना है, क्या इतना तो 44% आप अप्लाई कर लीजिएगा।
उसके बाद मेरी जान अब आपको क्या कर लेना होगा ना, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और थोड़ा सा ब्राइटनेस दे देना है अपने फेस के ऊपर रख के। तो चलिए यहाँ पर हम रख के ब्राइटनेस दे देते हैं। डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, तो फाइनली बिफोर और आफ्टर देख लेना है। उसके बाद इस फोटो को अब क्या करना है, तो शेयर करना है कहाँ पे, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो भाई लोग आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं फेस स्मूथ भी करना बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग पहले कलर कर लीजिए, तभी उसके बाद आप अपना फेस स्मूथ कीजिएगा। देखिए लाइटरूम एप्लीकेशन में आ गया है भाई लोग। तो देखिए यहाँ पर एक मेरा पी सेट है जो कि आप सबको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस पी सेट को यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिएगा, तो थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर लेना है। कॉपी सेटिंग कर लेने के बाद बैक आ जाना है और इस वाले फोटो पे आपको फाइनली पेस्ट कर लेना है। भाई लोग ये काम करने के बाद ही आप फेस स्मूथ कीजिएगा, तो आपका बहुत ही क्लीन फेस स्मूथ होगा। तो चलिए फटाफट से हम इस काम को कर लेते हैं। उसके बाद आपको बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है मेरे भाई। देख लीजिए पहले कितना बेकार दिख रहा था, अब कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद भाई लोग अब फेस स्मूथ करने के लिए अब क्या करना होगा ना, तो इस फोटो को शेयर करना होगा स्नैपशीट एप्लीकेशन में। स्नैपशीट एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत काम है भाई लोग, चलिए कर लेते हैं। उसके बाद टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करके फिर से सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको जितना फेस व्हाइट अगर रखना होगा मेरे भाई, आप व्हाइट कर लीजिएगा यहाँ से सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो भाई लोग इस फोटो में ज़्यादा व्हाइट नहीं रखूँगा, बस इतना ही काम करूँगा। थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है उस पार्ट को हम व्हाइट कर लेंगे। तो चलिए भाई लोग फाइनली हम व्हाइट कर लेते हैं। उसके बाद भाई लोग अब आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप, जैसे मैं बता रहा हूँ आप भी सेम टू सेम कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आपका भी फेस स्मूथ। तो अब बारी आ गया भाई लोग फेस स्मूथ करने का। तो फाइनली इस फोटो को शेयर करेंगे कहाँ पे, तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो फाइनली चलिए भाई लोग थोड़ा बहुत अपने कलर को इमेजिंग बना लेते हैं। तो कलर को इमेजिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ कलर्स के ऑप्शन पे आ जाना होगा मेरे भाई। देखिए जैसे ही आप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो कलर रिफ्लेक्स का ऑप्शन आएगा और फाइनली आपको जो भी कलर पसंद आता है यहाँ बैकग्राउंड पे ले जाकर फाइनली रखिएगा, तो आपको बहुत सारा कलर आ जाएगा। बट मेरे भाई मेरे को ये वाला कलर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करके आपको क्या करना है, तो यहाँ से सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो काम आप कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपका भी फेस बहुत ही अच्छा स्मूथ होगा। बट फ्रेंड्स चलिए फाइनली थोड़ा सा हम अपने बैकग्राउंड में पीएनजी लगा लेते हैं, वो भी लाइट पीएनजी। लाइट पीएनजी से हमारे बैकग्राउंड में एक अलग सा ही लुक लग जाता है भाई लोग। तो आप लोग भी डालिएगा तो डालिएगा ही फोटो में। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या कर लेना होगा ना, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद डबल करके इसको डबल करके फिर से इस वाले बैकग्राउंड के तरफ भी हम इसको हमको रख देना है, ठीक है ना मेरे भाई। रख देने के बाद मेरे भाई यहाँ से क्या करेंगे, डन कर देंगे। डन कर देने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब फाइनली हमको क्या करना है, तो अपने फेस को स्मूथ करना है। तो सबसे पहले तो चलिए थोड़ा बहुत हम अपने ब्लर कर लेते हैं, ठीक है ना। और उस इसी में भाई लोग छुपा है फेस स्मूथ करने का राज। तो फाइनली चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। फाइनली आप दोनों फिंगर से क्या कीजिएगा ना, आपको पहले अमाउंट को कम कर लेना है, 12% रखना है या 9% रख लीजिएगा, इतने के करीब रख लेने के बाद दोनों फिंगर से आपको क्या करना है, बीच में सटा देना है। उसके बाद मेरे भाई इसको ऊपर के साइड खींचना है। तो चलिए सटा के हम इसको ऊपर के साइड खींच लेते हैं। देखिए भाई लोग आप लोग अच्छे तरीके से ऊपर के साइड खींच लीजिएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, तो ऊपर के साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इरेज का ऑप्शन, इरेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा और फाइनली से क्या करना है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे रख देना है। तो चलिए मेरे भाई इसको बैकग्राउंड पे हम रख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा इरेज कर लेना है। आप लोग अगर इतना ब्लर अपने बैकग्राउंड में रखते हैं तो आपका फोटो और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियरिटी में आ जाता है। डन। इतना काम हो जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, डन कर देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा और फिर से उसी वाले टूल्स पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब बारी आ गई है भाई लोग फेस स्मूथ करने का। तो फाइनली इसका अमाउंट देख लीजिए आपको कितना पे रखना है, तो अच्छे तरीके से 7 या 8 रख लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से छोटा कर देना है और फाइनली से इसको ऊपर के साइड खींच देना है। देख लीजिए
आप अमाउंट जितना रखना चाहे आप रख के स्मूथ कीजिएगा, जितना आप अमाउंट रखेंगे आपको उतना स्मूथ होगा फेस। इतना काम हो जाने के बाद ऊपर का साइड इरेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ नीचे का साइड देखिएगा इनवाइट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा ना, फाइनली से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ब्रश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रश को सेलेक्ट करके जैसे ही आप ऐसे देखिए स्मूथ कीजिएगा तो मेरे बहुत ही अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो जाएगा। लेकिन भाई लोग ये फेस थोड़ा कम स्मूथ हो रहा है, तो भाई लोग वो भी मैं बताऊँगा कि ज़्यादा स्मूथ कैसे होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए क्योंकि सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन देख लीजिए मेरा फेस स्मूथ कितने बवाल तरीके से हो रहा है इतना पे ही। अगर आप और भी स्मूथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से इतना पे ही मेरा फेस स्मूथ हो रहा है और कितना अच्छा तरीके से दिख रहा है। तो भाई लोग है ना बहुत ही बवाल का ट्रिक। तो भाई लोग प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि 69% कुछ वैसे लोग हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बट वीडियो को डेली वॉच करते हैं। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए भाई यहाँ से अब आपको क्या करना है, अमाउंट को बढ़ाना है। जैसे अमाउंट को बढ़ाइएगा तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आपको आया होगा फाइनली आप इरेज कर लीजिएगा। यहाँ पर इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके आई पे आया है, आई पे से इरेज कर लूँगा मेरे भाई। उसके बाद देखिए हमारे बीएड पे थोड़ा सा आ गया तो इस पे से भी हम इसको इरेज कर लेंगे। अब आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना होगा मेरे भाई आप आराम आराम से क्या कीजिएगा तो अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। जहाँ जहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा ना मेरे भाई आप फाइनली से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो गया है, वो भी फुल HD में, बहुत ही भौकाल तरीके से। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।